हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करें अपना एसएससी का एग्जाम जो रिलेटेड आपका सीएचएसएलसी 2023 का टायर टू का एग्जाम है। 10 जनवरी 2024 को पेपर हुआ था 9 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो इसमें हम जो सॉल्व करने वाले वो आपके मैथ के क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर मेंस के जो क्वेश्चन हुए थे दो शिफ्ट में हुए थे, एक तो 2 नवम्बर का हुआ था, एक तो 2 नवम्बर का, एक 10 जनवरी का। ठीक है, तो बहुत दिन के बाद इसके आंसर की आए तो चेक कर लेते हैं। और इसमें हम जो सॉल्व करेंगे वो आपके मैथ के क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो क्या बोला कि दो पाइप है फिल कर रही 36 और 45 मिनट में, और एक ऐसा वेस्ट पाइप है जो 40 लीटर पर मिनट निकाल रहा है। ठीक है, तो 1 लीटर में ये क्या कर रहा है, 1 मिनट में क्या कर रहा है, ये 40 लीटर निकाल रहा है, माइनस कर रहा है। ठीक है, तो अगर तीनों पाइप को अगर ओपन कर दिया जाए और सिस्टम जो है 1 घंटे में फिल होता है, मतलब 60 मिनट के लिए यहाँ पर चलाया गया। अगर मैं 1 घंटा की बात करूँ तो 60 मिनट की बात हो रही है, तो कैपेसिटी पूछिए। ठीक है, तो ए बी, अब मैं यहाँ पर लिखूंगा ए प्लस बी माइनस सी। ठीक है, क्यों लिखा ही है, क्योंकि यहाँ पर 60 मिनट के लिए चलाया जा रहा है, तो सी की जो कैपेसिटी आएगी वो हम बाद में बात करेंगे क्या आएगी। तो ए कितना है, 36 है, बी कितना है, 45, अगर तीनों को मिला ले 60 है, तो इनका तीनों का एलसीएम आएगा 180 एलसीएम आएगा। तो 180 एलसीएम आएगा, तो इसने कितना किया, 5 किया, इसने कितना किया, 4 किया, इसने कितना किया, 3 किया। ठीक है, अब 3 कैसे आए, माइनस करने से आया, 3 माइनस करने से आया, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, इन दोनों का प्लस कर दो यहाँ पर आप। ठीक है, यहाँ से सी की वैल्यू 3 के बराबर आएगी, तो ये प्लस करके इसको माइनस कर दीजिए, 6 आ जाएगा। राइट, अब मैं एक बात करूं, इतना समझ आया, तो यहाँ से सी की कैपेसिटी, तो मतलब वो 6 निकाल रहा है, अगर वो दोनों 5 और 4 भर रहे हैं 1 मिनट में, तो ये 6 निकाल रहा है, तो टोटल कितनी कैपेसिटी है, 180 डिवाइड बाय 6 करिए तो कितना आ गया, 30 मिनट। इसके अकॉर्डिंग जो है ना, ये 30 मिनट में खाली कर देगा। ठीक है, यहाँ से सी जो है वो 30 मिनट में इसको खाली कर देगा, लेकिन 1 मिनट में कितना है, 40 कैपेसिटी पूछी है, तो 1 मिनट में अगर 40 कर जाता है तो 30 मिनट में कितना करता है, गुना 40 कर दीजिए, 1200 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि एक होलो क्यूब है जो कि पेपर जिसका वॉल्यूम 512 क्यूबिक यूनिट है, तो हाउ मच पेपर इन स्क्वायर यूनिट विल बी मेक द क्यूब, कितना क्यूब आपको बनाना पड़ेगा। तो आप देखिए 512 है वॉल्यूम किसका, क्यूब का, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब होता है। ठीक है, साइड का क्यूब कितना है, 512, तो यहां से साइड जो आएगी 8 आ जाएगी, साइड जो आएगी वो 8 आ जाएगी, क्योंकि 8 का क्यूब है। ठीक है, अब इसने बोला कि इस क्यूब को बनाने के लिए हमें एक पेपर चाहिए, वो पेपर कितना स्क्वेयर यूनिट है, मतलब क्या है टोटल, टोटल पेपर कितना चाहिए, पूरा पेपर कितना चाहिए। तो पूरा पेपर निकालने के लिए यहाँ से पूछा गया टोटल सरफेस एरिया आपसे, जो कि फॉर्मूला कहता है 6 × साइड का स्क्वेयर। तो 6 से मल्टीपल कौन कौन हो रहा है, तो जो 3 और 2 से मल्टीपल होगा, तो 3 और ये 2 और 8 11, ये मल्टीपल नहीं हो रहा, 3 और 4 7 और 8 15 ये हो जाएगा, 2 और 10 18 ये भी हो जाएगा, 3 और 4 7 और 8 ये भी हो जाएगा। तो आप देखिए, तो 6 × साइड का स्क्वायर 8 × 8 कर लीजिए, 64 × 6 करोगे, 384 आपका राइट आंसर दे देगा, लास्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोल रहा है कि सोन सेल करता है शुगर कॉस्ट प्राइस में, बट यूज फॉल्स वेट, अपने फॉल्स वेट के कारण वो 28% का प्रॉफिट करता है, तो हाउ मेनी ग्राम ऑफ शुगर ही गिविंग फॉर 3.2 kg शुगर। वे बोल रहा है कि 3.2 kg चीनी के बदले कितने ग्राम चीनी दे रहा है, तो अगर आप चेक करोगे तो 28% है, 28% को अगर मैं सोल्व करता हूँ सिंपल फ्रैक्शन में, तो 4/25 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 7 का प्रॉफिट है, तो इसका मतलब 25 आपका क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, एसपी कितना दे रहा है, 32 दे रहा है। अगर 32 3.2 kg को अगर मैं ग्राम में कन्वर्ट करूंगा तो 3200 ग्राम हो जाएगा, तो 32 की जगह हम 3200 ग्राम दे रहे हैं, मतलब मल्टीप्लाई कितने से, 100 से।
हाउ मेनी ग्राम्स, कितने ग्राम्स के बदले, मतलब ये दे रहे हैं, सॉरी इसके बदले हम कितनी दे रहे हैं, इससे पे कर रहे हैं। अगर आप देखोगे प्रॉफिट और लॉस होता है जब हम उल्टा उल्टा कर लेते हैं, ये 32 हो जाएगा, ये आपका 25 हो जाएगा, ठीक है। तो देना कितना चाहिए था, 25 देना चाहिए था, दे कितने रहे हैं, 32 दे रहे हैं, तो 32 की वैल्यू यहाँ पर 3200 दे रखे, तो आपका आंसर दे देगा कितना, 100 से मल्टीपल है तो इधर भी 100 से मल्टीपल करोगे तो 3200 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोला कि डिफरेंस बिटवीन ए डिस्काउंट जिसका 27% और टू सक्सेसिव डिस्काउंट 20 और 10 का, तो यहाँ पर एक्स और वाई दे रखा, तो एक्स और वाई का फॉर्मूला होता है, मैं आपको बताता रहा हूँ बार बार, ये आपका फॉर्मूला होता है, इससे आप सोल्व कर सकते हैं। एक तो 27% दे रहा है, ठीक है, दूसरा क्या दे रहा है, दोनों को प्लस करिए, 20 और 10 30 हो गया, माइनस में 2 20 गुना 10 डिवाइड बाय 100, 0 से 0, 0 से 0 कटी, यहां से 30 में से 2 गए, 28 हो गया, तो 27 और 28 का डिफरेंस कितना अपना 1 है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस कितना हो, 56%, 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 56%, टोटल अमाउंट पूछा है, टोटल सॉरी 56% नहीं, 1% की वैल्यू 56 है, ठीक है, तो टोटल अपने कितनी थे, 100, तो 100 को हम 56 से गुना कर देंगे, तो आपका 5600 राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंपलीफाई करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसको सिंपलीफाई करते हैं, तो ये आपका क्या बना देगा, ऊपर से एक्स एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3 इनटू में, यहां से क्या बना देगा, अगर 9 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन को ना भाई थोड़ा अलग तरीके से चेंज हो गई है, क्योंकि जो कटेंगे वो भी अपना अलग तरीके से सोल्व हो रहा है, 1 मिनट, तो कोई ना एक बार सिंपल करके देख लेते हैं, तो यहाँ पर हम सोल्व करेंगे तो एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है, इनटू में एक्स 3x+1 और 3x+1 हो जाएगा, -1, दूसरे में -1 आएगा, -1, ठीक है। और नीचे देखते हैं, तो नीचे इसका सोल्व करेंगे तो ये आपका एलसीएम लेकर 3x-1/3 इंटू में 3-x/3 इतना आ गया, ओके, इंटू में 9/, यहां से हम 3x+1/3 और 3x+x/3, ठीक है भाई, इतना हमने सोल्व कर लिया है। आगे देखते हैं क्या क्या कट रहा है, पहले कट कर देते हैं 3x+1 और 3x+1 हमने कट कर दिया, और 3+x, 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 ये अभी आपका कट हो गया, और कुछ कट हो रहा है, ये नीचे वाला जो 3 × 3 है ये 9, 9 ऊपर आ जाएगा, और ऊपर जो है ना x-3 और 3x-1 डिवाइड बाई, इधर क्या बचा, इधर 9 बचा, और इसका 9 भी ऊपर आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा, नीचे क्या है, 3x-1 है, 3x-1, और इसको चेंज करेंगे, साइन चेंज करेंगे तो x-3 हो जाएगा, और साइन आ जाएगा माइनस का, साइन चेंज किया तो ये कट गया आपका, ये कटा, तो कितना है, 9 का क्यूब 729-729 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। तो ये साइन चेंज कैसे होते हैं, जब हम ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज करते हैं, हमने कट करने से मतलब है, साइन को चेंज करो और आपका आंसर आ जाएगा, और 1 माइनस ऊपर लगा दो। बोला कि शेड ऑफ टॉवर स्टैंडिंग ऑन लेवल ग्राउंड जो कि 40 मीटर लॉन्गर है, जबकि सन का एटीट्यूड 30 डिग्री है, देन वैन इट 45 डिग्री, अगर वो 45 डिग्री पे हो तो हाइट ऑफ टावर कितनी रहेगी, क्या बोल दिया इसने, शेड ऑफ, ठीक है, लो भाई ये एक टावर है और ये आपकी इधर शेडो आ जाएगी, ओके, कितने डिग्री पर, जब 30 डिग्री हो, जब 30 डिग्री हो, जब कितनी आ जाएगी आपकी, 40 मीटर, ठीक है। अब बोला कि अगर ये 45 बना दे,
तो कितनी रह जाएगी? पहले तो ये 45, तो अब देखो ये टावर की लेंथ आ जाएगी यहां से। अगर मैं 10 का यूज करूं तो ये आपका 10 30, 10 30, इसको हाइट बना लेते हैं, तो हाइट अब बटे आपका 40 आ जाएगा, और इधर से 10 45, 10 45 कितना हो जाएगा, इधर से आपका इसको मैं एक्स बना देता हूं, ठीक है, हाइट अपॉन एक्स, जो कि इक्वल ही रहेंगे दोनों, ठीक है। तो एच की वैल्यू यहां से निकाल ले, जो देखो इक्वल कैसे रहेगी, तो 45 में एक एक का रेशियो रहता है, तो हाइट ये आपका एक ही आ जाएगा, ठीक है, तो यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एच की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए 10 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/√3, √3 h/40, एच की वैल्यू कितनी आ गई, 40/√3 आ गई, ठीक है। इसको सोल्व करोगे तो इस क्वेश्चन को ना एक बार दोबारा करते हैं, देखो इसने क्या बोला है, इसने बोला है, मैं थोड़ा गलत पड़ गया क्वेश्चन को तो इस वजह से सॉरी। इसने बोला है कि ये है, बोला कि अगर 45 डिग्री से 30 डिग्री बन जाता है तो क्या होता है कि 40 मीटर ज्यादा होता है। मैंने ये नहीं पढ़ा लिख का, ठीक है, तो इस वजह से मेरा क्वेश्चन ये गलत हो गया। अगर मैं इसको 45 बना दूं तो इसका ये 30 डिग्री चला जाएगा, तो ये कितना हो रहा है, ये एक्स्ट्रा हो रहा है, और इस एक्स्ट्रा को इसने बोला ये 40 मीटर है, ठीक है। तो हाइट ऑफ टावर निकालें तो ये एच हो जाएगा, तो अगर 45 की हेल्प लेंगे तो ये 1:1 आएगा, तो ये हाइट हो जाएगा। अगर 45 की रेशियो ना ले हो तो आपका क्या होगा, 30 का रेशियो लो तो ये पूरा कितना हो जाएगा, पर √3 h हो जाएगा, अगर ये 1 है तो ये √3 h हो जाएगा, तो h की वैल्यू आपने निकाल ली है। तो देखो कैसे निकालोगे आप, तो यहां पर हम सोल्व करेंगे 1/√3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां से h/(h+40) हो जाएगा, ठीक है, तो √3 h कितना हो जाएगा आपके पास, h+40 हो जाएगा, ठीक है। तो सोल्व करेंगे तो √3 h - h इज इक्वल टू 40, h को मान ले, √3 - 1 इज इक्वल टू 40, h इज इक्वल टू 40/√3 - 1, रैशनलाइज कर दो, √3 + 1/√3 + 1, तो सोल्व करोगे इसके आगे तो आपके पास क्या आएगा आंसर, 40√3 + 1 और √3 + 1, ये आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, 2 में 2 से कट करोगे तो ये आपका 20, 20√3 + 1 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बोला कि एवरेज सैलरी ऑफ 40 एम्प्लॉय, ओके 35 नॉन टीचिंग है, ऑफ ए स्कूल इज, एवरेज सैलरी ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ इतनी है, फाइंड द एवरेज सैलरी ऑफ रिमेनिंग स्टाफ ऑफ स्कूल। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करोगे, तो बोला है कि 40 एम्प्लॉई हैं जिसमें 35 नॉन टीचिंग स्टाफ भी है, और इसका मतलब एक्स्ट्रा कौन है, 5, तो ये 5 की हमें निकालनी है, जिसकी 4000 है, तो ओनली 40 की, 40 की 4000 है, 35 की इसने बोला है 4200 है, 5 की हमें निकालनी है। तो एक तो आप ये कर सकते हो, 40 × 4 ये टोटल आ जाएगी, ठीक है, टोटल में से आप माइनस कर दीजिए 35 × 4200 को, जैसे ही माइनस करोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल में से टोटल माइनस किया और जो भी आंसर आया उसके नीचे √5 कर देना, ठीक है, आपकी एवरेज सैलरी आ जाएगी। तो स्टार्ट करें, 16000 आपकी आ गई, 16 लाख, 1,60,000 माइनस में कर दो 0 0 35 × 70, 35 × 140 और 147, तो कितना आ गया भैया, 5 से डिवाइड करो तो 0 0 0, ये आपका 3 हो गया और ये आपका 1, तो 5 से कट करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 26, तो आपका राइट आंसर दे जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोला कि एक्स वाई जेड है, तो एक्स वाई की वैल्यू, एक्स जेड की वैल्यू दे रहा कि क्यू एक पॉइंट है वाई जेड पर, क्यू एक्स क्यूब बाइसेक्ट है एंगल एक्स का, तो ओके बाइसेक्टर थ्योरम बता रखे, अगर आपने अच्छे से पढ़े होगे तो बहुत अच्छी चीज दे रखी है।
ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है, ये आपका जेड है। एक्स पे बाइसेक्ट एंगल कर रहा है, एंगल बाइसेक्ट किया तो ये एंगल दोनों इक्वल हो गए क्यू पर, ठीक है। एक्स वाई कितना 5 और एक्स जेड कितना 7, 7, ठीक है। तो बाइसेक्ट करने पर ये क्या होता है, ये भी सेम रेशियो में दे देता है कि जो वैल्यू ये और यहाँ से आती है ये 5 हो जाएगा, जो वैल्यू यहाँ से आई ये रख दो, 5:7 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट है टू पैरेलल लाइंस, ओके। डिफरेंस बिटवीन टू इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ट्रांसवर्स इतना है, ट्रांसवर्सल 40 है, तो समावेश एंगल आपने बताना है। दो पैरेलल साइड है और एक ये है, तो इसने बोला कि इसका और इसका डिफरेंस जो है ना वो 40, ओके। तो ये आप एंगल ए मान लो, ये बी मान लो, अगर एंगल ए प्लस एंगल बी कितना होता है 180, ठीक है, और एंगल ए माइनस एंगल बी कितना दे रहा था 40, दोनों का डिफरेंस, ठीक है। तो यहां से एंगल ए कितना आ जाएगा, दोनों ऐड करोगे तो माइनस ऐड किया तो कितना आ जाएगा 220, ज्यादा आ गया भाई ये तो। सॉरी भाई, यहाँ पर 2a आएगा, 2a आएगा, ठीक है। एंगल ए कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा एंगल कितना हो जाएगा 110 है, तो 110 प्लस एंगल बी इजिकल टू 180, तो यहाँ से एंगल बी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 70 आएगी, तो ये आपका राइट आंसर दे देगा 70, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर सेविंग रिचा इतना है, रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर से सेविंग, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो कितना है 2:1 का है। यदि उसकी इनकम एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंडिचर दोनों इंक्रीज कर दिए 20-15%, तो परसेंट इंक्रीज ऑफ सेविंग बताना है। चलो भाई अच्छे से सॉल्व करते हैं, अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। ये आपकी इनकम है, ये आपके एक्सपेंडिचर है, ये आपकी सेविंग है। सेविंग एक्सपेंडिचर 2 है, सेविंग कितना 1 है, तो ये आपकी इनकम कितनी हो जाएगी, टोटल 3 हो जाएगी, ठीक है। दोनों को प्लस करवाए, अब परसेंटेज के लिए आप इसको इजी बना सकते हो, डबल डबल 0 रखकर, ठीक है। तो इसमें बोला इनकम जो है वो 20% इंक्रीज हो गई, 20% इंक्रीज हो गई, तो 20% कितना होता है 6/5, 12/10, तो 360 हो गया, ठीक है। और ये आपका कितना हो गया 15%, 15% मतलब 115% इंक्रीज हुआ ना, तो 115 गुना 2 करोगे तो 30 और 2 230 हो गया, ठीक है। अब ये पूछा है ये कितना होगा, तो डिफरेंस करो 0, 3 और ये आपका 1, 130%। तो देखो 100 से कितना हुआ, 30 का डिफरेंस है, और ज्यादा है तो ज्यादा इसका मतलब प्रॉफिट है, तो 30% का प्रॉफिट आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। एक बोट मूव कर रही है 3 किलोमीटर अगेंस्ट द पोर्ट ऑफ स्ट्रीम 1 आवर में, मूव कर रही है 1 किलोमीटर डायरेक्शन ऑफ करंट 12 मिनट में। तो बोला कि टेक द बोट 6 किलोमीटर इन स्टेशनरी वॉटर, इस 6 किलोमीटर आने जाने में कितना टाइम लगेगी, ठीक है। तो भाई देखो, अगर वो अगेंस्ट द करंट जा रही है, अगेंस्ट द करंट मतलब डाउन स्ट्रीम होता है, डाउन स्ट्रीम क्या होता है, सॉरी अप स्ट्रीम होता है, तो ये क्या होता है, दोनों ये आपकी बोट का स्पीड होती है, ये करंट का स्पीड होता है, मतलब धारा का स्पीड में, ठीक है। इतना बोल रहा है कि ये टोटल स्पीड कितना देगा, 1 घंटे में कितना जा रही है 3 किलोमीटर, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया, 3/1 हो गया, 3 आ गया, ठीक है। डाउन स्ट्रीम पूछा है धारा का डायरेक्शन में, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ करंट, तो 1 किलोमीटर जा रही है 12 मिनट में, तो एक्स प्लस वाई जा रही है 1 किलोमीटर जा रही है 12 मिनट में, तो 1/12 मिनट, मिनट से घंटे बना तो उल्टा करो 60 को, तो 12 से ये आपको 5, 5 की स्पीड आ गई। क्या पूछा है, बोट की स्पीड पूछा है, बोट की, क्योंकि वाई की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगी, तो वाई को ऐड करेंगे तो यहाँ पर वाई हट जाएगा, तो यहाँ से 2x की वैल्यू कितनी आई, 8 आई, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई, 4 आई। अगर बोट की स्पीड 4 है तो इसका मतलब 6 किलोमीटर जाना तो कितना टाइम लगेगा, 6/4 कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा, 1 घंटा पूरा लगेगा, पॉइंट में 2/4 मतलब आधा घंटा और फालतू तो लगेगा, ठीक है, तो आधा घंटा फालतू तो ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन क्या गया, 100 वर्कर्स का वर्कमैन एम्प्लॉय इन फैक्ट्री अकॉर्डिंग टू देयर मंथली सैलरी, एवरेज सैलरी इतनी है,
और मीडियम मीडियम सैलरी जो है वो 49,500 है, तो मोड सैलरी आपने बता लगाना है। तो वही एक सिंपल सा इसने फॉर्मूले पे क्वेश्चन दे दिया, बिल्कुल पुट किया है। देखो सारे 100 हैं तो इसका एक फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो बिना फॉर्मूला आप नहीं कर सकते क्वेश्चन। तो मोड पूछा है, मोड निकालना है, तो मोड क्या होता है, 3 मीडियन माइनस में 2 मीन होता है, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला इसने दे दिया, तो मीडियन मोड की वैल्यू दे रखी है, तो 3 गुना मीडियन कितना दे रखा है, मीडियन कितना दे रखा है, मीडियन 400 दे रखा है यार, 49,500। और मीन कितना दे रखा, मीन आपका एवरेज होता है, तो 2 गुना 4,500 हो गया। तो इसको सोल्व करना आपने, तो 3 गुना 49,500 007 और 14 माइनस में ये आपको कितना दे रहा है, 9,000। तो वैसे सोल्व कर दो तो 57,100 आपको राइट आंसर दे देगा मोड का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोला क्या, एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल ऑफ 6, 6 का फर्स्ट 8 का मल्टीपल आपने बताना, तो कैसे क्या, 8 का बताना है, 16 का बताना है, 24 का, और 24 का 32, 40 और या आपका 48, इसका एवरेज आपने बताना है। टोटल कितना हो गए, 6 हो गए, 6 हो गए, तो 6 हो गए, 6 बटे 2 इंटू आपका कितना हो गया, यहां से फर्स्ट टर्म कितने 8, दूसरी टर्म कितने 48, तो और डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 6 और करोगे, क्यों करोगे, क्योंकि एवरेज निकालना है। तो 6 से 6 गया और यहां से आपका कितना बनेगा, 56 बनेगा, सॉरी सॉरी भाई, यहां से मैंने गलत पढ़ लिया, 8 मल्टीपल है 6 के, 8 मल्टीपल है 6 के, ठीक है। तो मैं 8 का क्लिक किया, सॉरी इसलिए, बाकी अपना फॉर्मेट सही था। तो 6 के 8 मल्टीपल लिख दो, तो 6 12 18 24 30 36 42 और 48, ठीक है। तो इसका एवरेज आपने निकालना है, तो आप क्या करोगे, सॉल्व करने की कोशिश करोगे सम का। तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है, कितने हैं आइटम्स, 8 है बटे 2 इनटू में फर्स्ट का सम और लास्ट का सम कर दो, और बटे में ये तो आपका क्या होगा, टोटल सम आ जाएगा, ठीक है। टोटल सम आने के बाद डिवाइड बाई क्वांटिटी कर दो, तो क्वांटिटी कितने 8, 8 से 8 कट हो जाएगा, यहाँ पर आपका कितना आया, 6 और 48 54 डिवाइड बाई 2, तो कितना आंसर देगा, 27 आंसर देगा, पूरा घुमा के क्वेश्चन दे रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो भाई इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, कि सुदर्शन जो रबरम अपियर कर रहे हैं इंटरव्यू टू, 2 वैकेंसी के लिए, प्रोबेबिलिटी बतानी है, सुदर्शन की सिलेक्शन कितनी है, अब्राहम की सिलेक्शन कितनी है, तो प्रोबेबिलिटी बतानी, नन ऑफ देम वॉज सिलेक्टेड। तो प्रोबेबिलिटी क्या, देखो होना एक तो इवेंट होना और एक नहीं होना, तो ये दो चीज होती है आपकी, अगर दोनों को प्लस कर दोगे तो 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट का मतलब क्या हो गया, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम देखेंगे सुदर्शन की कितनी है, 1/3 है, तो इसके मतलब 1/3 होने की है, तो 1 माइनस 1/3 कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। वही अब्राहम की कितनी प्रोबेबिलिटी होने की, 1/5, तो 1/5 को माइनस करेंगे 4/5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सोल्व करो, अब इन दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है जो सिलेक्ट हो नहीं हो सकते, तो कुछ नहीं करना, दोनों की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करना और आपका आंसर दे देगा, ठीक है। ओके, तो 2/3 × 4/5 जो कि कितना देगा, 8 हो जाएगा, 15 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बोला कि फादर एज ऑफ फादर 10 ईयर्स है, 10 साल पहले फादर जो था अपने बेटे से 3 गुना था, अगर बेटा सन इतना है तो फादर कितना हो साल पहले, तो 10 साल पीछे ले जाओ, 10 साल पीछे ले जाओगे तो x-10, और ये था जो ये थ्राइस था, 3 गुना था, ठीक है। 10 साल के बाद फादर की एज जो बेटे से 2 साल और हो गए, तो 10 साल के बाद करो तो प्रेजेंट में जाएगा, तो एम्पल तो x+20 हो जाएगा, 10 साल प्रेजेंट, 10 साल पास्ट में, तो +10 आएगा, सॉरी यहाँ पर, तो ये आपका 3x-10 और इसमें फिर +20 आपने कर, सॉरी 10 करना है, ताकि आप प्रेजेंट में आ सकते हो। और अब बोला कि टोटल कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा,
रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज आपने बताने हैं कितनी हो सकती है। चलो देखते हैं, तो ऊपर से देखें तो इस वाली लाइन से, तो यहां पर हम देखें तो x माइनस 10 इज इक्वल टू 3x माइनस 30 हो जाएगा, और 2x की वैल्यू कितनी दे देगा यहां से 20, और x की वैल्यू यहां से 10 दे देगा। अगर x की वैल्यू 10 है तो भाई इस तरह से सोल्व करेगा तो काफी लंबा आपको पड़ेगा ये क्वेश्चन। तो अलग तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि 10 साल पहले बिफोर लिख लेते हैं, इनकी एज निकाल लो, फादर और सन की एज। तो अगर सन की एज अगर 1 है तो फादर की सन कितनी? 3 है। अगर 10 साल बाद आगे चलोगे, 10 साल आफ्टर, तो इनका रेशियो जो दे रखा फादर, अगर सन का 1 है तो इसका 2 है, ठीक है, ये रेशियो इनका दे रखा। तो रेशियो इक्वल करेंगे तो रेशियो डिफरेंस देखो, डिफरेंस यहां से देखोगे 20 ईयर्स का निकल के आया डिफरेंस, राइट। लेकिन यहां पर भी हमें डिफरेंस करना पड़ेगा, डिफरेंस करने के लिए दोनों तरफ सेम कंडीशन होनी चाहिए। तो अगर मैं नीचे देखो तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 2 से, तो ये 2 से 4 बना गया, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे 1 का डिफरेंस इंक्रीज हुआ है और इधर भी 1 इंक्रीज हुआ है, तो मतलब डिफरेंस यहाँ पर सेम आ गया। तो इस 1 के बदले कितने साल के बराबर है? 20 साल की। इस 1 की वैल्यू कितनी है? 20 साल। अगर 1 की वैल्यू 20 साल है तो प्रेजेंट एज की, सॉरी, जो पहले कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग सन की एज कितनी हो जाएगी? सन की गुना 20 कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 20 आ जाएगा। फादर की एज करोगे तो गुना 20 कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। अगर 20 और 60 यहाँ पर फादर ही की एज सन है, तो 10 साल आगे ले जाओ, 10 साल आगे ले जाओगे तो यहाँ से 30 आ जाएगा, यहाँ से 70 आ जाएगा, ठीक है। रेशियो निकालो, 3:7, सन रेशियो फादर का रेशियो आएगा 3:7। लेकिन इसमें क्या पूछा है? पहले फादर का बोल दिया ना, पहले फादर का बोल रखा, तो 7:3 आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, तो रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ कॉफी एंड टी इतना है और रेशियो ऑफ देयर क्वांटिटी इतनी है, तो एक्सपेंडिचर कितना होगा? प्राइस 3:4 है, एक्सपेंडिचर, सॉरी, क्वांटिटीज कितनी है? 4:7 है। तो एक्सपेंडिचर पूछा है आपसे, तो एक्सपेंडिचर क्या होता है? दोनों का मल्टीपल होता है। एक्सपेंडिचर क्या होता है? दोनों का मल्टीपल होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो रेशियो निकाला तो 4 से 4 कट गया, तो 3:7 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर ले, बेस ऑफ राइट प्रिज्म इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी मेजर 4 सेंटीमीटर, लेटरल सरफेस एरिया इसका इतना है, तो वॉल्यूम आपको निकालना है। तो भाई देखो, इसका जो बेस है ना, बेस कैसा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसा है, ठीक है। तो ये साइड अगर 4 है, ये भी 4 हो जाएगी, ये भी 4 हो जाएगा, राइट। तो इसके ऊपर भी एक ऐसा बेस रखा है जो इसकी इक्विलेटरल ट्रायंगल में है, ये, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में है, राइट। अब इसमें बोला लेटरल सरफेस एरिया, इस पूरे का लेटरल सरफेस, पहले यहां से हम एरिया बाद में निकालें, पहले वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म क्या होता है? बेस का एरिया, बेस एरिया, ठीक है, इंटू में हाइट। सिर्फ इतना काम आपने करना है और आप आंसर दे देंगे, ठीक है। तो बेस का एरिया कितना? 1/√, सॉरी, √3/4 और इंटू में साइड का स्क्वायर हो जाएगा। हाइट आप मेरे पास नहीं है तो हमें निकालनी पड़ेगी। लेटरल सरफेस एरिया दे रखा है किसका? इसका, ये आपका, ठीक है। ये क्या चीज है आपके पास? एक आप देखोगे तो एक रेक्टेंगल आपके पास शो कराएगा, ठीक है। और ऐसे कितना रेक्टेंगल है? एक सामने है और एक पीछे, और एक, सॉरी, एक साइड में और एक पीछे है। तो ऐसे 3 रेक्टेंगल है जिसका लेटरल सरफेस दे रखा है 120। तो हमें एक का निकालना है, 120/3 कर लीजिए तो कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। तो इसका मतलब इस रेक्टेंगल का जो एरिया आया है लेटरल से, वो कितना आया? 40 आया है। ये आपके क्या है, सॉरी, ये आपकी हाइट, लेंथ है, और ये आपकी हाइट हो जाएगी। तो लेंथ इंटू हाइट कितना दे दिया? 40 दे दिया। पहले कितना है? 4 है, हाइट आपने निकालनी है, 40 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा एच की वैल्यू? 10 आ जाएगी। तो बस आपने 10 और मल्टीप्लाई करा तो आपका आंसर आ जाएगा 4 से 4 घटा, तो 40√3 आपका राइट आंसर दे दिया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका मीडियन निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, मीडियन क्या होता है?
सभी को अरेंज कर लो, फिर आपका जो भी सेंटर में आएगा वो आपका मेडियन हो जाएगा। ठीक है, तो पहले 1 है, फिर 7 है, के फिर 7 के बाद 9 है, और फिर 11 है, 11 के बाद 16 है, 2 बार 16 है। ओके, फिर 16 के बाद आपका 3 बार 16 है भाई, 3 बार 16 है, फिर आपका 51 है, फिर आपका 101 है, सॉरी 101 नहीं, 81, फिर आपका 101 है, फिर आपका 121 है, ये कंप्लीट हो गया। मीडियन क्या होता है, जो बिल्कुल सेंटर में हो। तो देख ही लेते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है, तो 5 इधर से हटाओ और 5 इधर से हटाओ, बीच में कौन बचा, 16 बचा, तो 16 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, बोला है हाउ मेनी इयर्स, कितने साल लगेंगे, 2500 का इन्वेस्ट किया, रेट इतना है, तो सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट हो जाता है इतना ज्यादा। तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट दे रखा, तो सिंपल इंटरेस्ट बात हो रही है, तो 16% क्या फ्रैक्शन देगा, 4/25 देगा। ठीक है, तो 25 से सिंपल इंटरेस्ट, सॉरी ये तो सिंपल इंटरेस्ट है ना, 4 से 25, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट आपका 29 हो जाएगा, 25 में अगर 4 ऐड कर दोगे, दोनों का सम करके ऊपर रख दो, 25 निकल। ठीक है, अब हमसे टाइम कुछ चाहिए थी, तो टाइम आप इस तरह से निकाल नहीं पाओगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहां से हमें सोल्व करना पड़ेगा टाइम के लिए। तो चलो ऐसा ही, कितना होगा सिंपल इंटरेस्ट, कितना होगा दोनों का डिफरेंस कर दीजिए, 1600 आपका ऐसा ही आ जाएगा, 2500 आपका प्रिंसिपल है, और गुना में टाइम कितना, टाइम हमें निकालना, रेट कितना, 16/16। ठीक है, 00 00 हमने कट कर दी, 25 से अगर कट करते तो 25 6 150, 25 4 आ गया, 16 से कट करोगे 4 आ जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन था, फॉर्मूले से सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, एक राइट रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसका मेजरमेंट इतना है। ओके, 100 के मेजरमेंट 6 5 और 40 mm रखा गया है, तो 9 स्पेस इज लेफ्ट, कोई भी स्पेस नहीं बचना चाहिए, तो ऐसे कितने केक आपके बनेंगे, तो आपने ये निकालना है। ओके, तो भाई देखिए, ये पूरा रेक्टेंगुलर है जिसके अगर हम सेंटीमीटर में ले लेते हैं सारा, ठीक है, सेंटीमीटर में लेंगे तो 1.6 का 160 हो जाएगा, इंटू 90 का 90, 60 का 60, और डिवाइड बाई कर दो, क्योंकि हम एज में निकालने, 6 × 5 × 40 mm है, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करो, डिवाइड बाई 10 करो, 4 आ जाएगा। ठीक है, इजिकल टू नंबर आ जाएंगे आपके, तो कट करिए, 5 6 5 30 30 30, 4 से कट कर दो 40, तो सोल्व करो, 4 3 12 12 6 72, 72 के बाद 0 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, इतने को डिवाइड किया इन तीनों में, रेशियो है ए बी, दैट ए और बी, ए बी सी में रेशियो डिवाइड किया, या ए और बी का रेशियो है 3:4 का, बी और सी का रेशियो 12:13। ठीक है, अमाउंट मनी रिसीव्ड बाय बी, बी के द्वारा कितने अमाउंट लिया गया, तो ये हमें निकालना, तो यहां पर भी हम 12 कर देंगे, तो क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई, सॉरी हाँ 3 से मल्टीप्लाई, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से 12 है ऑलरेडी, यहाँ से 13 आ जाएगा, और इधर तो 1 1 से मल्टीप्लाई होगा ना, जब भी तो आएगा, बी को इक्वल रखेंगे, बी को इक्वल कर लें, तो टोटल देखो कितना है, 25 और 9 आपका कितना हो जाएगा, 25 और 9 34, 34 की वैल्यू इसने कितनी दे रखी, 7 7 8 6 दे रखी है, कितने से गया होगा, या तो 4 पे गया होगा, या तो 4 पे, या फिर 4 16, या 4 9 36, तो बस इतना कुछ जाना चाहिए। तो 4 और 9 का लास्ट डिजिट चेक करिए, लास्ट डिजिट चेक करेंगे तो 4 2 8 होता है, 4 9 2 भी 18 होता है, तो सॉरी ये तो रहेगा ना आपका, तो भैया आगे सोल्व करना पड़ेगा आपको इसको। तो कितने बजे भेजे, 34 से कम 34,
ओके, कितना? 34 दूनी 68, 34 दूनी 2 पे जाएगा, 68, 6 8, 9 8, 34 दूनी 68, 100, कितना बच गया यहां से? 306, 34 मिनट, ठीक है। तो 229 हो गया, तो 229 को यहां से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 12 नहीं हो गया, 12 दूनी 24, 24 और 10 34, 12 दूनी 24, 24 और 3 27, आपका आंसर 27, 48, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वैसे भी अगर 12 की मल्टीपल हम करके देख सकते तो हो सकता था, 12 की मल्टीपल मतलब 3 3 और 4 का मल्टीपल करके देख लेते हैं, ठीक है। 4 का मल्टीपल क्या कहता है? लास्ट के 2 डिजिट क्या होना चाहिए? 4 से डिवाइड होना चाहिए। देखो कट गया, तो हमें ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लो। एक मैन ने ऑब्जर्व किया टू ऑफ इलेक्ट्रिक पोल को 60 और 30 डिग्री के हिसाब से, तो टू डिफरेंट ऑब्जर्वेशन दिखाई दिए पी और क्यू पर। डिस्टेंस बिटवीन क्वेश्चन का हो गया पी एंड क्यू हो गए, पी एंड क्यू हो गए, हाँ ये रहा पी एंड क्यू की डिस्टेंस 10 है, तो हाइट ऑफ पोल आपने बतानी है। तो अगर आपको याद हो तो हमने कुछ क्वेश्चन इस थोड़े कुछ क्वेश्चन पहले हमने किया था कुछ इस तरह से क्वेश्चन, तो सॉल्व करते हैं। ये इलेक्ट्रिक पोल है, तो 2 अलग अलग ऑब्जर्वेशन की है इसमें, ओके। तो ये तो आपका कितना है, ये 60 मान लेते हैं, और आगे अगर ट्रांसफर करोगे तो ये आपका 30 होगा, ठीक राइट। अब बोला कि जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपके 10 है इतनी, ओके। और अगर 60 के हिसाब से ले तो अगर ये एच आ जाएगा तो ये आपका एच बाय रूट थ्री आ जाएगा, ठीक है। अगर 30 के हिसाब से ले तो 30 के हिसाब से पूरी लेंथ कितनी आ जाएगी? √H√3 आ जाएगी, ठीक है। तो बस इसको ऐड कर दो, इसलिए बोला तो एच की वैल्यू आ जाएगी, √H = H√3 - सॉरी प्लस में 10, तो √3H√3 को इधर भेजोगे तो ये आपका 3 बन जाएगा, और प्लस में 10√3 आ जाएगा। एच इधर लाओगे तो 2H आ जाएगा, √10√3, तो एच 2 से 5 आ जाएगा, तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5√3 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। ए सेल करता बी से प्रॉफिट 33% में, बी सी को लॉस करता 20% में, सी अगर इतना पे करता है तो पोस्ट प्राइस ऑफ ए निकालना है, तो इसको हम रेशियो से सॉल्व कर देते हैं सिंपल तरीके से। ए बी सी का 33% का क्या होता है? तो 33 का प्रॉफिट करना तो ये आपका अगर 100 इस पर जाएगा तो इसको 133 में देगा, ठीक है। सी बी अब सी को लॉस कर रहा है 20% में, तो इसको 20% का लॉस कराइए, तो भाई इस कैलकुलेशन को थोड़ा और इजी करने के लिए मैं क्या करता हूँ, दो दो जीरो और लगा लेता हूँ, ठीक है। अब इसका 20% लॉस हो जाएगा, 80% हमें निकाल, तो इसका 80% एक एक जीरो से काम चल जाएगा ना, तो एक एक जीरो लगा ले हटा देते हैं, तो 80% निकालोगे तो 8 3 24 होता, 8 3 24 और 2 26, 8 1 8 और 2 10, इसकी वैल्यू कितनी है? 532। अगर आप देखोगे तो डिवाइड बाय 2 कर रखा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर भी आप क्या करो, डिवाइड बाय 2 कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ए का कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो 500 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। सम ऑफ एज ऑफ सन एंड फादर 52 है, और 4 साल के बाद एज ऑफ फादर जो है वो 4 टाइम अपने बेटे से 4 टाइम हो जाएगा, प्रेजेंट एज निकालने दोनों की। तो देखो अगर सन की एज अगर एक्स है तो फादर की एज कितनी होगी? 52 - x होगी, राइट, 52 - x होगा, क्योंकि इनका सम है। 4 साल के बाद अगर हम देखें तो ये आपका 4 साल पहुंचा दो आगे इन दोनों, 52 - x + 4, तो फादर की जो एज है वो 4 टाइम अपने बेटे की, तो यहाँ से 4 कर दो और एक्स की वैल्यू आप सॉल्व करोगे तो प्रेजेंट एज ऑफ सन आ जाएगी, ठीक है। तो 4x + 16 = 52 - x,
-x तो 16 में 56 गए और एक्स 5 x इधर आ गया और इधर कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 आ जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, सिंपलीफाई करना है। सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, रूट यहां से अगर अंदर देखोगे तो ये किसका रूट है, क्यूब रूट है 7 का, ये किसका है 6 का। तो आपके पास क्या है, 7 का रूट 1/3 है और इसकी पावर 1/3 है, इनटू में सेम यहाँ पर 6 की पावर 1/3 है और इसकी पावर 3 है, तो इस ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे, तो क्या बचा, 7 गुना 6 बचा, जिसका आंसर कितना आया, 42 आया। सिंपल सा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द मेजर ऑफ टू एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर रेशियो, इतना रेशियो दे रखा है 3:7 का। ठीक है, तो सम ऑफ दीज टू मेजर इज इक्वल टू द मेजर ऑफ द थर्ड साइड, इन दोनों मापों का योग तीसरे कोण के माप के बराबर है, ये क्या दे दिया। तो भाई देखते हैं, तो अगर आप देखोगे अगर ये 3 है, ये 7 है, ये कितना होगा, इन दोनों के सम का होगा, तो टोटल यहां से काउंट करोगे तो आपके पास 20 आएगा, 20 की वैल्यू हमारे 180 आएगी, क्योंकि यहां तो 10 आ गया ना। हाँ ठीक है, तो आपको कितने की निकालनी है, छोटे वाले की, छोटा कितना है 3 है, तो 3 की निकालनी है, तो कितने से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 9 से, तो 2 3 गुना 9 करोगे तो 27 आपका राइट आंसर दे दे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, ये सोल्व करना है, तो ये आप देखोगे ये किसका, 25 का, प्लस में ये क्या हो जाएगा, 25/4 10 हो जाएगा, प्लस में ये 25/1 200 हो जाएगा, ये प्लस में 25/ कितना हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। तो इसको सोल्व करना आपने, तो 25 को प्लस करना है 2.5 में, प्लस करना है 0.25 में, प्लस करना है 0.025, पॉइंट में लगा दिए, कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, 100 और 1000 को हटा के पॉइंट में लगा दिए सीधा, तो यहां से 5 आ जाएगा, यहां से 5 और 2 7, यहां से 5 और 2 7, यहां से 7, और ये आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, इलेक्शन में कैंडिडेट खड़े 90% वोट है, इलेक्टेड बाय मार्जिन ऑफ 800 वोट्स, तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स पता नहीं है आपको कितने होंगे, अगर 90% क्या है, एक चुनाव में 90% पाने वाले उम्मीदवार 800 मतों के अंतर से चुना जाता है। ठीक है, डिफरेंस दे रखा, ओके, तो यहाँ पर दो ही है, एक तो विनर और एक लूजर है। ठीक है, तो ये 90% है, ये 10% है, तो इनका डिफरेंस चेक करिए, 80%, 80% की वैल्यू कितनी डिफरेंस दे रहा, 800 का, तो बस आपने कितने निकालना, टोटल निकालना, टोटल आपके पास 100% है, तो ये आपका कितना मल्टीपल होगा, 10 से, तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 1000 आपका राइट आंसर दे देगा, कितना आसान क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रखे हैं फिर तुम्हारे। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, 6000 है 2 साल में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 2.5 पर एनम फर्स्ट ईयर, दूसरे साल में सेकेंड ईयर 2% है, तो क्या होगा देखते हैं। तो भाई ये सिचुएशन में क्या करेगी, अगर 2 बार है तो 2.5, अगर ये फर्स्ट साल का है ये सेकंड साल का, तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, तो दोनों का क्या करें, ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, तो a+b + a(b)/100 कर देंगे, ये आपका आंसर दे देगा, 2.5 + 2 + 2.5 × 2/100, तो पॉइंट के नाम पे एक जीरो ले लो, तो 25 से आपके ये 40 पर चला जाएगा, 2 से आप कट करोगे तो 20 पर चला जाएगा। ठीक है, और यहां से सोल्व करोगे 4.5 + 1/20 आया, तो सोल्व करोगे तो 0 से 0 कटा, तो 9 + 1 1 मिनट, 0.05 ले लेते इसको, तो यहाँ पर कितना आ गया, 4.55 आ गया। ठीक है, 4.55% की वैल्यू अपने चाहिए, कितने पे, 6000 पे, तो 6000 पे 4.55 की वैल्यू चाहिए, तो 4, तो यहाँ से कितना परसेंट हो गया भाई, 100 पे बोला है ना, तो 100 लिख लेते हैं, तो और पॉइंट के नाम की ये 2 2 0 हम हटा देते हैं, 0 से 0 कटा, 6 गुना ये कर लो कितना आएगा, 6 गुना 5,
6 5 30, 6 5 30 14, 6 24 24, 27 डिवाइड बाय 10, 0 से 0 कटा तो ये आपको कितना दे देगा, 273। बिल्कुल करेक्ट आंसर दे देगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि 69 और 92 के बीच अभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स आपने बताने हैं और उनका एवरेज लेना हो, तो 69 तो होता है, 70 71 नहीं होता, और 71 होता है, 73 होता है, ठीक है, 73 होता है, 79 होता है, 83 होता है, और आपका 89 होता है। अगर मैं एवरेज मान लूं 79 को, अगर मैं 79 को मान लूं, तो यहां से मैं 0 लूंगा, यहां से -6 किया, इधर से -8 किया, इधर से +6 किया, और इधर +8 किया, ठीक है, तो 6 से 6 कटा, 8 से 8 कटा, तो कुछ भी ऐड नहीं कटा, इसी को माना था, इसी को आंसर रख दो, 79 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक, बाकी नहीं तो आप सभी का सम करिए और डिवाइड बाई 5 कर दीजिए, फिर भी वो आंसर आ रहा। ठीक है, तो भाई अब इस एग्जाम के 30 क्वेश्चन कंप्लीट मैं करा चुका हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नए एग्जाम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।